हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूबी और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। ओट्स और मूंग की दाल का बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप मूंग की दाल ले ली है और इस दाल को पहले हम धोकर तैयार करेंगे, उसके बाद इसे हम सोक करने के लिए रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए ताकि दाल हमारी अच्छे से फूल जाए। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे और यहाँ पर हमारी दाल बहुत अच्छे से फूल गई है तो इस दाल को डालते हैं ग्राइंडिंग जार में। तो इसमें जितना भी पानी सोक करने के लिए डाला था मैंने इसमें से थोड़ा भी पानी निकाला नहीं है, सारा ही अच्छे से डालकर ग्राइंड कर लेंगे। और दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया है और इस दाल को निकाल लेते हैं एक बोल में। और ये हमारा दाल का पेस्ट बनके तैयार हो गया है तो चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और इसमें मैं डाल रही हूँ ओट्स, तो आधा कप ही डाल ली थी मैंने, यहाँ पर आधा कप ही ले रही हूँ ओट्स। ओट्स की वजह से ये हमारा नाश्ता बहुत ही हेल्दी बनने वाला है। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे आधा कप ही पानी, तो सभी चीज़ें यहाँ पर मैंने आधा कप ही ली हैं। और बाकी सारी चीज़ें ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक टमाटर जिसके सीड्स निकाल दिए हैं मैंने, एक बड़ा प्याज है और साथ में हरी मिर्च ले ली है, तो ये तीनों चीज़ें इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास हरा धनिया है तो यहाँ पर हरा धनिया इसमें ऐड कर सकते हैं आप, साथ में अगर कोई सब्जियाँ भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, तो ये नमक डाल दिया मैंने। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, 1/4 चम्मच का भी, आधा, तो यहाँ पर मैंने बहुत ही थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। हल्दी के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, तो आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर चिली फ्लेक्स ले सकते हैं। यहाँ पर चिली फ्लेक्स की जगह पे आप लाल मिर्च के पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, वो भी आधा चम्मच, और साथ में यहाँ पर डाल देंगे आधा चम्मच ही चाट मसाला, ये मैंने यहाँ पर चाट मसाला भी डाल दिया। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। और मिलाने के बाद हमारा ये बैटर तैयार हो गया, तो इसमें मैंने और ज़्यादा पानी नहीं मिलाया है, केवल उतना ही पानी मिलाया था। और उसके बाद चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो गैस पर मैंने एक पैन रखा है और इस पैन में डाल रही हूँ मैं घी, तो आधा चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने ये घी ले लिया है। पैन में इसे फैला देंगे और इसके बनाएंगे अब चीले। तो पैन यहाँ पर गर्म हो चुका है तो इसका बैटर हम डालते हैं। और यहाँ पर पैन में बैटर डाल देंगे, तो पहले हम इसे अच्छे से मिलाएंगे उसके बाद ही बैटर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं एक करछी भर के बैटर डाल रही हूँ, तो जैसे भी साइज का आप ये चीला बनाना चाहते हैं, बड़ा छोटा अपने अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस इतना ही छोटा बनाया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। और इसे ढक के पकाएंगे 2 मिनट के लिए, गैस के फ्लेम को लो रखेंगे, लो फ्लेम पर इसे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर पलट कर इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो मैं इसे पहले ढक देती हूँ और जब ये एक तरफ से पक जाएगा तो इसे हम पलट कर पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये चीला एक तरफ से अच्छे से पक गया है, तो इसे पलट लेते हैं। और पलटने के बाद किनारों पे हम थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे जिससे कि ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे से सिक जाएगा। आप चाहें तो इसे बिना घी तेल के भी बना सकते हैं, आसानी से बन जाता है ये। और इसके बाद इसे मैं 2 मिनट के लिए फिर से ढक रही हूँ ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा ये पक जाए। तो यहाँ पर मैं इसे ढक देती हूँ और 2 मिनट पका लेते हैं। तो 2 मिनट हो गए हैं और दूसरी साइड से भी हमारा ये चीला अच्छे से पक गया है, ये देखिए। तो मैं इसे सर्व कर लेती हूँ, बाकी बचे हुए सारे चीले बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये मूंग दाल और ओट्स का चीला बनके तैयार है। इसे आप चटनी के साथ, दही के साथ, अचार के साथ, किसी के साथ भी सर्व कीजिए, सभी के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिए रेसिपी आपको कैसी लगी।